लोकसभा चुनाव में मतदान की गोपनीयता भंग करना भाजपा नेता सहित दो लोगों को भारी पड़ गया। वोट डालते समय इन लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, उसके बाद इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए दोनों ही मामलों में FIR दर्ज की है। ग्वालियर में पूर्व पार्षद पति रिंकू परमार मतदान करने DPR लाइन स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचे थे। वह अपने साथ मोबाइल अंदर ले गए। मोबाइल अंदर ले जाने के बाद EVM पर मतदान करते हुए वीडियो बना लिया, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसी तरह पौड़ी के रहने वाले होकम वर्मा ने EVM पर वोट डालते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। दोनों ही पोस्ट खूब वायरल हुई। नेताओं से लेकर आम लोगों तक ने इस तरह गोपनीयता भंग करने पर आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कल जो है ग्वालियर में लोकसभा चुनाव के दौरान जो है एक मतदाता ने जो है मतदान की गोपनीयता भंग करके आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया। उनके द्वारा मतदान के दौरान अपना वीडियो बनाकर मतदान के जो अंदर का था वो वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड कर दिया गया था, तो उस पर से जो है सेक्टर ऑफिसर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। DRP लाइन में जो प्राथमिक शासकीय स्कूल है वहाँ का वो वीडियो था, तो उसमें जो है आरोपी गिरिराज और रिंकू परमार उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 और 188 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।